आरआरबी जेई का एग्जाम डेट और रेलवे का एग्जाम डेट आउट हुआ था ना, कि इस डेट को ये कोचिंग ने कराया था। चलो बताता हूँ कौन सा कोचिंग है। और यूपीपीएससीआई का गेट के थ्रू होगा। आईआरएमएस में कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भाई मतलब रेलवे का एक पार्ट है, और रेलवे में वैकेंसी 250 प्लस आई है। तो क्या होगा इससे आगे जाकर, और भी, और आरएमएसएसबी मतलब राजस्थान जेईएम का एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा, फरवरी में होगा क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट आया है। तो इन सारी चीजों का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर वे में। वीडियो को लास्ट में ऐसा मत करो प्लीज गाइस। आरआरबी जेई में इतनी सारी वैकेंसीज आई, अगर आरआरबी जेई की सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आरआरबी जेई के क्रैश कोर्स CVT 1 एंड CVT 2 के लिए इंजीनियर्स वाला ला, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी ला, सिर्फ सिर्फ 1499 रुपये में। कोड यूज करना है DPK 250 और आपको ऑफ मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद राजस्थान में जेई की एक शानदार जबरदस्त वैकेंसी आ रही है, आरएसएसबी में सिविल में 2499 रुपये में। कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। RPSCIN में पता है कि 1000 नियर अबाउट वैकेंसीज हैं, जो प्रिलिमिनरी के लिए सिविल के लिए 3999 रुपये में ले सकते हो। उसके बाद बात किया आरआरबी जेई के लिए टेस्ट सीरीज, देखो यार आरआरबी जेई का भाई कोर्सेज तो कर रहे हो, बट टेस्ट सीरीज तो जरूरी है, तो 99 रुपये में मिल जाएगा। CVT 1 एंड CVT 2 के लिए शानदार और ज़बरदस्त है भाई, तो आप ले सकते हो। SSC जेई 2024 का फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो 2699 रुपये में। उसके बाद बात किया SSC जेई CVT 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हो सिर्फ सिर्फ 99 रुपये में। अभी आपका CVT 2 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जाके ले सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अशोका 2.0 बैच DAEJEE आपको 3299 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद RRBJEE एक्सप्रेस 2.0 बैच सी जो 2499 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कर्तव्य बैच सी की बात कीजिए, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ 3999 रुपये फॉर ऑल JEE एग्ज़ाम, जितने सारे AEJEE एग्ज़ाम है सब मिल जाएगा। कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चाणक्य बैच सी BOD रिकॉर्डेड बैच सिविल के लिए 2399 रुपये में मिल जाएगा आपको। उसके साथ AEJEE खजाना जो मिल जाएगा, गेट एक्सेस 300 वीडियो, UG फ्रेंडली इंटरफेस, लर्न योर फेवरेट फैकल्टीज, कॉस्ट इफेक्टिव बैड 1499 रुपये में। बाकी SSC JEE RRBJEE जैसे कोर्सेज, इसमें जितने सारे सोचोगे स्टेट AEJEE PSU बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न्स, आपका लेक्चर विल बी डिलीवर बोथ हिंदी इंग्लिश, क्लास नोट DPPA सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टी, डाउट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यही खजाना आपको 1499 रुपये में मिल रहा है। उसके बाद UPPCL जेई फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल के लिए 2299 रुपये में टारगेट कोर्स पर UPPCL जेई एग्जाम 2024। उसके बाद आपको मिल जाएगा UP 3SC JEE, पता है कि 4400-4600 वैकेंसीज है। फाउंडेशन बैच ले लो भाई, बहुत शानदार और ज़बरदस्त टीचर इंडिया के पढ़ा रहे हैं 1999 रुपये में। बाकी आपका BPSC AE जनरल इंजीनियरिंग के लिए 1499 रुपये में ले सकते हो, क्योंकि BPSC कंबाइन भी आने वाला है, तो आपको इसको आपको पढ़ना चाहिए यार, ज़बरदस्त है। उसके बाद RRB LPN टेक्नीशियन की बैच बी की बात करें, CVT 1 CVT 2 को 1299 रुपये में लेना है। आपको कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टारगेट कोर्स RTI डिप्लोमा स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोगों का। तो यार देखो, अभी जो आपका रेलवे का एग्जाम डेट अनाउंस हुआ था, ये PR एक बहुत बड़ी PR कंपनी ने की थी, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे कोर्सेज जल्दी जल्दी सेल हो और लड़के के अंदर एक जिज्ञासा जलाया जाए, क्योंकि ये टोटली फेक था। उसमें जानकर गलतियां दी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट को लगे कि यार रियल तो नहीं है, और इसलिए गलतियां। और ये ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कराया था, आपने सोचा नहीं होगा, पूरा प्रॉपर देखोगे तैयार किया गया था। बहुत ज़्यादा बढ़ के कोचिंग का नाम ले लूँगा तो आप शॉकिंग हो जाओगे, तो मैं वो कोचिंग का नाम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ, और वो खतरनाक कोचिंग है भाई, और फेमस कोचिंग है, बड़ा कोचिंग है, उस कोचिंग का नाम आप लोग देखोगे सर। और एग्जाम डेट तो टोटली फेक है यार, RRBJEE एग्जाम जो NTPC ALP कराया भाई, मतलब उस कोचिंग, मतलब वो फेमस कोचिंग है, वो हर फील्ड में कोचिंग है, तो समझ सकते हो कोचिंग का नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बवाला कट जाएगा। और दूसरी बात, जो रेलवे की इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, सभी लोग बीटेक वाले, मैं कहूंगा इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भर दो, और देखो भरो या ना भरो ये डिपेंड आप पे करता है। बट अभी बहुत सारे कोचिंग ये भी बोलेंगे यार यार तुम्हारी तैयारी हो जाएगी भाई, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस वैकेंसी रेलवे का एड ऑन हुआ, बट जिनकी तैयारी 0% है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाएगा, इंजीनियरिंग सर्विस एक साल में नहीं निकलता। आप 2026 के लिए सोच सकते हो, 2025 में सोचो कोचिंग ले लूं, सेलेक्ट हो जाऊं, तो भाई नहीं हो पाओगे। हाँ, RRBJEE के लिए सोच रहे हो तो यस यू कैन सेलेक्टेड। RRBJEE में अगर तुम अभी से तैयारी करना चाहते हो, तो 3-4 महीने है जो आपका एग्जाम डेट, मान लो ऑलमोस्ट जनवरी से मार्च के बीच होने वाला है, और जो अभी AI है वो गलत डेटा था,
ठीक है। तो अब एक और आ रहा है कि यूपीपीएससी यही क्या गेट के थ्रू होगा। देखो यूपीपीएससी यही अभी पूरा पीआर टीम, पूरा ये पूरा पीआर टीम चला रही है यूपीपीएससी यही गेट के थ्रू। नहीं भाई, यूपीपीएससी यही गेट के थ्रू नहीं होगा। यूपीपीएससी यही मतलब कह सकते हो ये गवर्नमेंट के अंदर आती, यूपीपीएससीएल थोड़ा सा रहता है इधर उधर, बट हाँ यूपीपीएससी यही खुद का एग्जाम कराएगी। ये कब होगा किसी को नहीं पता, मे भी आपको अक्टूबर या नवंबर में मे भी कुछ झलक देखने को मिले। अब ये झलक क्या होगा, कैसा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बातें बहुत बड़ी बातें होती हैं। अब देखो यार, एक सबसे बड़ा बात आ रहा है ये वाला RSMSSB जेई का। तो जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ रहा है, तो इसमें एक आलोक राज सर जो चेयरमैन है उन्होंने एक चीज जारी की कि जेईएन भर्ती परीक्षा आज शायद कैंडिडेट ने अपने अपने ग्रुप्स में डिसाइड किया है कि चेयरमैन साहब पर प्रेशर बनाया जाए और एक ग्रुप डेट चेंज ना होने के लिए दूसरा ग्रुप डेट मार्च में पोस्टपोन के लिए, यानी डेट्स आगे बढ़ाने के लिए। तो बता दूं डेट चेंज करने का फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप जेई की आर राजस्थान जेईएन पे फोकस कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप डेट का मत सोचो भाई, तैयारी जम के करो, राजस्थान जीके पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। और प्लीज़ यार मैं ये कहूँगा, जो भी ये पीआर टीम है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ऐसा करें, हाथ जोड़ के स्टूडेंट को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि रेलवे ऊपर से भी प्रेशर बना रखे एग्ज़ाम कब कराएंगे, और तुम बीच बीच में जो टिन करते रहते हो ना, ये एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम, प्लीज़ यार ये जो बहुत बड़ा है स्टूडेंट के माइंड में पूरा प्रेशर है, कुछ कुछ तो डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी मत करो। तो भाई देखो यूपीपीएससी गेट के थ्रू नहीं होगा आपका। IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई किसी कोचिंग के ट्रैप में मत पड़ना कि सिलेक्शन तुम्हारा हो जहां 2026 के लिए सोच सकते हो, बट अभी तुम चार ब्रांच वाइज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल अलाउड, बीटेक अलाउड होता है, डिप्लोमा अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि सर डिप्लोमा भर सकता है, नहीं डिप्लोमा नहीं, बीटेक भर सकते हैं चार ब्रांच वाले सिर्फ, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो शायद आप लोगों को कवर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।